about the monkey and the crocodile. I think you have already heard about this story. आपने ये स्टोरी जो है ऑलरेडी सुन रखी होगी, पर उसके बावजूद भी अगर हमारे सिलेबस में ये स्टोरी दिया है तो हमें तो रीड करना ही होगा ना. ओके एंड स्टूडेंट्स, ये स्टोरी जो है ये पंचतंत्र से ली गई है. पंचतंत्र वो बुक्स हैं जिसमें एनिमल्स की स्टोरीज रहती हैं, उधर से इस स्टोरी को लिया गया है और हमारे सिलेबस में दिया गया है. ओके सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 21. देयर यू विल सी द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, चैप्टर नंबर 6. बट बिफोर वी रीड, वी हैव सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस स्टोरी. लेट्स रीड दैट वन. अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर. एक मंकी एक फलों से लदे पेड़ पर रहता था. कहाँ पे? एक रिवर के साइड में. ही मेड फ्रेंड्स विद अ क्रोकोडाइल. ही मेड फ्रेंड्स विद अ क्रोकोडाइल एंड गेव हिम डिलीशियस फूड्स टू ईट एंड सेंड सम फॉर हिज वाइफ. उसने एक फ्रेंड बनाया था जो था क्रोकोडाइल, और वो उसको फ्रूट्स देता था और कुछ फ्रूट्स उसकी वाइफ के लिए भिजवाता था. ही मेट रेगुलरली एंड टॉक. अब वो क्या करते थे, वो रोज मिलने लग गए थे और रोज बातचीत करते थे. द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड. मंकी पेड़ पर था और क्रोकोडाइल जमीन पर. ओके लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. ओके वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विद फ्रूट्स. ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिज हर्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस. एक बार एक नदी के किनारे एक फलों से लदा पेड़ था. लेडन मींस लदा हुआ पेड़. ओके किससे? फ्रूट्स से. वो बहुत खुश था, जितना मन करता था उतना फ्रूट वो खाता था. इसका मतलब टू हिज हर्ट कंटेंट, मतलब टू हिज सेटिस्फैक्शन, यानी कि मन भरकर जितना उसका मन करता था वो उतना फ्रूट खाता था. ओके द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली. मंकी खुश था पर वो अकेला था. एंड वॉन्टेड कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद. और उसको एक कंपेनियन मीन्स एक फ्रेंड वो चाहता था जिसके साथ वो रहे और वो बातें करे और वो उन फ्रूट्स को शेयर करे उनके साथ. बट देयर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी. पर उसके आसपास कोई नहीं था, ना कि कोई मंकी था. टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. कब तक कोई नहीं था? जब तक वो एक रिवर सॉरी एक क्रोकोडाइल पानी से आया नहीं था, पानी से निकला नहीं था. ओके हेलो देयर सेड द मंकी. मंकी क्या बोलता है? हेलो डू यू लिव इन दिस रिवर? क्या तुम इस रिवर में रहते हो? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स? क्या तुम्हें फ्रूट खाना पसंद है? क्या तुम कुछ फ्रूट्स खाओगे? गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली. अब क्रोकोडाइल क्या करता है? वो बहुत पोलाइटली से बोलता है गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग किसको बोलता है? वो मंकी को. I did come here in search of food for myself and my wife. मैं यहाँ पे कुछ फ्रूट सर्च करने आया हूँ, ढूंढने आया हूँ मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए, यानी कि कुछ खाना ढूंढने आया हूँ. Nice of you to offer me fruit. तुम बहुत अच्छे हो जो मुझे फ्रूट्स ऑफर कर रहे हो. The monkey plucks some from the nearest branch and threw them down. मंकी क्या करता है? कुछ फ्रूट्स को जो नियरेस्ट ब्रांच होते हैं उसके आसपास की जो डालियां होती हैं उनसे कुछ फ्रूट्स तोड़ता है और नीचे फेंक देता है क्रोकोडाइल के लिए. द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस थैंक्स ही सेड. क्रोकोडाइल को वो जो फ्रूट्स होते हैं वो बहुत डिलीशियस बहुत टेस्टी लगते हैं और वो उनको खाने के बाद मंकी को थैंक यू बोलता है. मे आई हैव सम और माई नेक्स्ट विजिट. तब वो बोलता है कि क्या मुझे और फ्रूट्स मिलेंगे जब मैं दोबारा आऊँगा यहाँ पे. Certainly as many as you like, some for your wife too, said the monkey. Monkey बोलता of course, क्यों नहीं मिलेगा तुम्हें? Of course, जो तुम्हें जितना चाहिए तो उतना ले लो और तुम्हारी वाइफ के लिए भी कुछ ले जा. Do you do come again? अब monkey बोलता है तुम दोबारा आना. I am rather lonely here. मैं यहाँ अकेला हूँ, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ. द क्रोकोडाइल विजिट द मंकी रेगुलरली. अब क्रोकोडाइल क्या होता है? क्रोकोडाइल डेली डेली आने लग जाता है.
और मैंने आप लोगों को इनवाइट किया है, तो आई एम द होस्ट ऑफ दैट पार्टी। अगर आपके घर पे पार्टी है, आपने मुझे इनवाइट किया है, यू आर द होस्ट। ओके, उसी तरह मंकी भी होस्ट था क्योंकि मंकी ने क्रोकोडाइल को इनवाइट किया था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ। अब वो क्या करता है, क्रोकोडाइल वहां पे खा लेता है और कुछ अपनी वाइफ के लिए ले जाता है। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। अब मंकी और क्रोकोडाइल क्या होता है, बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, दोनों बहुत घनिष्ठ दोस्त बन जाते हैं। दे टॉक एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। वो बातें करते हैं और कभी थकते नहीं है बातें करने से। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो बर्ड्स के बारे में बात करते हैं, एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। अबाउट द विलेजर्स नियर बाई, जो उनकी नदी के आसपास विलेजर्स हैं, ओके, उसके बारे में बात करते हैं। एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन। और उन डिफिकल्टीज की बात करते हैं जो विलेजर्स फेस कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ रेन। लैक ऑफ रेन मीन्स जो पानी की कमी है, जिससे उनको उनकी खेती में अनाज उगाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि पानी की कमी है और खेती उगाने के लिए भी पानी की जरूरत पड़ती है। उस टॉपिक पे वो लोग बातें करते हैं। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज अनॉयड बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट। अब उसकी वाइफ क्या होती है, वो बहुत गुस्सा होती है। क्यों गुस्सा होती है, क्योंकि उसका हस्बैंड जो क्रोकोडाइल है वो घर लेट से आता है। सी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी। वो उन दोनों की फ्रेंडशिप को पसंद नहीं करती है। कौन, क्रोकोडाइल की वाइफ। द क्रोकोडाइल कुड नॉट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेस। क्रोकोडाइल अपनी वाइफ की जो विशेस होती हैं उसको इग्नोर नहीं कर पाता है। अब हम पढ़ते हैं उसकी वाइफ की कौन सी विशेस होती है। ओके, वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। अब एक दिन क्या होता है, जो क्रोकोडाइल रहता है वो मंकी के साथ ज्यादा देर तक रुक जाता है। ओके, हर दिन से ज्यादा देर तक। हिज वाइफ वॉज अनॉयड वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। जो अभी अभी जो उसके बच्चे पैदा हुए हैं, क्रोकोडाइल की जो वाइफ होती है उसको संभालते संभालते थक जाती है और क्रोकोडाइल का वेट करते करते, वो क्रोकोडाइल का बहुत देर से वेट कर रही होती है, वो थक जाती है उन लिटिल वंस यानी कि बच्चों को संभालते संभालते। सी से, हु इज दिस फ्रेंड्स ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। अब वो पूछती है कि वो कौन फ्रेंड है आपका जिसपे आप इतने मरे जा रहे हो, इतने फॉन्ड ऑफ, मतलब मरे जा रहे हो। अफेक्शन। ओके, ओह ही इज वेरी नाइस मंकी, ही रिप्लाइड। अब वो बोलता है ओह वो बहुत ही अच्छा मंकी है। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री। वो फलों से लगा जो पेड़ रहता है, फल वाले पेड़ पे रहता है। ही सेट्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू। अब वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस पेड़ पे चढ़ के तुम्हारे लिए फ्रूट लाता हूँ। नो, वो जो फ्रूट मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ वो मेरा दोस्त मंकी ही देता है तुम्हारे लिए। अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सार्कास्म। सार्कास्म मींस सटायर। अब वो सटायर, वो बहुत उसे बोलते हो दैट इज योर फ्रेंड, वही मेरे लिए फ्रूट्स बेचता है, उसको चिढ़ाते हुए बोलती है। इफ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड। अगर तुम उससे पूछोगे तो मंकी मेरा खाना बन सकता है। आई वॉन्ट टू ईट हिज हर्ट सो मच। मुझे उसका दिल खाना है। वॉट अ फूलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल गुस्सा था, वो शाउट करते हुए अपनी वाइफ पर शाउट करता है, बोलता है क्या फूलिश बातें करती हो, ऐसी बातें मतलब बहुत गलत बातें करती हो। आई कांट किल अ फ्रेंड दो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। अब वो बोलता है आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता, हाँ पर अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं, मुझे भी मंकी खाना मतलब अच्छा लगेगा अगर मुझे मिल जाए। यू ब्रिंग हिम हियर ऑर्डर द वाइफ। अब उसकी वाइफ ऑर्डर देती है क्रोकोडाइल को कि तुम अपने दोस्त को मेरे घर अपने घर लेकर आओ। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसको देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, नेवर, डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। हर हस्बैंड मीन्स क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो होता है वो बोलता है नो, क्या मैं इसलिए लिया हूँ अपने दोस्त की जिससे तुम उसे खा सको, मैं कभी नहीं लाऊंगा, नेवर। ओके,
His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. Now, furious means feeling great anger. Okay, his wife was angry. वो उसकी वाइफ जो होती है वो गुस्सा हो जाती है और अपने आप को पानी की गहराई में छुपा लेती है और क्रोकोडाइल के साथ वो लिटिल वंस ये वो बच्चे रहते हैं जो अपने पापा से पूछते रहते हैं मम्मा कहाँ गई उसको तंग करते हैं. ओके द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा. अब क्रोकोडाइल डिलेमा मीन्स कन्फ्यूजन. क्रोकोडाइल जो होता है वो बहुत ही कन्फ्यूज हो जाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या. He loved his wife and was very fond of his friend too. वो अपनी wife को भी प्यार करता है और अपने दोस्त से भी दगा नहीं कर सकता है. Finally, he decided to be one on the side of his wife. Finally, वो decide क्या करता है कि मैं अपनी wife के side में रहता हूँ, अपनी wife का साथ देता हूँ. She was his life partner after all. जैसे कि आपको पता है, अगर हमें किसी को choose करना पड़े अपनी wife या husband के बीच में और किसी और के बीच में, अपने दोस्त के बीच में, तो हम अपने पार्टनर को पहले सुनेंगे क्योंकि वो हमारा लाइफ पार्टनर है, इसलिए हम सबसे पहले तो उसी को सुनेंगे. ओके, सो क्रोकोडाइल आल्सो डिड दिस. उसने अपनी वाइफ को चुना. आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ. अब क्रोकोडाइल अपने आप से क्या बोलता है कि मुझे पता है कि ये सिन है. सिन मतलब पाप, बहुत बड़ा धोखा. ओके, ये बहुत बड़ा पाप है अपने फ्रेंड को धोखा देना. बिट्रे मीन्स ब्रेक ट्रस्ट, यानी कि ब्रेक ट्रस्ट मीन्स धोखा देना. ये बहुत बड़ा पाप है कि अपने दोस्त को धोखा देना. बट आई हैव नो चॉइस, पर मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है. आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट. मैं मंकी को इन्वाइट करूंगा अपने घर पर एंड यू होप फॉर द बेस्ट. मतलब होप फॉर द बेस्ट मतलब क्या होता, मेरी वाइफ उसको ना खाए ऐसा वो सोचता है. माई वाइफ वॉन्ट्स यू ऑफर फॉर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट. द मंकी नेक्स्ट मीन्स जब वो अगली बार मंकी के पास जाता है, विजिट करता है उसके पास, तब वो मंकी से बताता है कि मेरी वाइफ ने तुम्हें मील पर बुलाया है, यानी कि खाने पर बुलाया है. यू मस्ट कम होम विद मी टूडे, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है और आज ही चलना है. ऐसा कौन बोलता है? क्रोकोडाइल बोलता है. किससे बोलता है? मंकी से बोलता है. क्या बोलता है कि तुम्हें मेरी वाइफ ने खाने पर बुलाया है, तुम्हें मेरे साथ आज चलना है. विद प्लेजर सेड द मंकी. मंकी जो होता है वो खुश होते हुए, बहुत उत्साहित होते हुए बोलता है ओके. विद प्लेजर मतलब उसको खुशी होगी उसके घर जाना. ओके, आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक. मैं स्विमर तो नहीं हूं, मैं स्विम तो नहीं कर सकता, मतलब तैर तो नहीं सकता, पर तुम्हारे बैक पर बैठ सकता हूँ. एंड दे सेट आउट. सेट आउट मीन्स दे लेफ्ट, दे लीव द प्लेस. ओके, अब वो दोनों निकल पड़ते हैं घर की ओर. इन द मिडिल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन. अब क्या होता है, जब वो पानी के बीचों बीच, यानी कि रिवर के बीचों बीच बिल्कुल जब गहराई में पहुंच जाते हैं, वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट. करंट मतलब जो वेव, आपने देखा होगा नदी ऐसे फ्लो करती है, जब ऊपर नीचे होती है, वो वेव जब बहुत ही तेजी से आ जाती है, वो बीचों बीच वो पानी में पहुंच जाते हैं, तब वो क्रोकोडाइल अपने इंटेंशन, अपने मतलब को मतलब हाइड नहीं कर पाता, छिपा नहीं पाता कि किस मकसद से वो उस मंकी को ले जा रहा है. सॉरी माई फ्रेंड ही सेड हेजिटेटिंगली. तब वो हेजिटेट होते हुए, बहुत घबराते हुए अपने फ्रेंड्स को सॉरी बोलता है. बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, पर अब मुझे पानी के अंदर जाना होगा. अपने फ्रेंड से वो बोलता है कि अब हमें पानी के अंदर जाना होगा. आई हैव ब्रॉट यू हियर टू किल यू. मैं यहाँ तुम्हें किस लिए लाया हूँ? मारने के लिए लाया हूँ. माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट. मेरी वाइफ तुम्हारा दिल खाए बिना नहीं रह सकती है. सो गुड बाय माई फ्रेंड्स, ऐसा वो मंकी से बोलता है. अब देखिए इसमें क्या है, मंकी वो स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड. मंकी क्या होता है? स्केयर्ड. स्केयर्ड मीन्स फ्राइटेंड, डर जाता है. एंड डिस्ट्रेस्ड. डिस्ट्रेस्ड मीन्स परेशान हो जाता है. द मंकी वो
स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, मंकी डर जाता है और वह परेशान हो जाता है, बट ही वो सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल द मंकीज। जैसे कि आपको पता है हर एक मंकी इंटेलिजेंट होता है, वो अपने दिमाग का यूज करता है, उसी तरह इस मंकी ने भी अपने दिमाग का यूज किया। ही केप्ट अ कूल हेड, ठंडे दिमाग से उसने सोचा। कामली ही सेड, आई डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली। तब वो काम बहुत ही शांतिपूर्वक वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरे एकमात्र दोस्त हो, एकमात्र फ्रेंड हो। आफ्टर ऑल व्हाट इज अ मंकीज हर्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल वाइफ। तुम्हारी वाइफ के आगे मेरे छोटे से दिल का कोई मतलब ही नहीं है। कौन बोलता है? मंकी बोलता है। मंकी क्रोकोडाइल से बोलता है, तुम्हारी वाइफ के आगे मेरे इस दिल का कोई मतलब नहीं है। बट हाउ फूलिश कुड यू बी। अब वो बोलता है, तुम कितने बेवकूफ हो। जो मंकी होता है वो क्रोकोडाइल से बोलता है, तुम कितने बेवकूफ हो। व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग, मैं अपना दिल अपने साथ लेकर चलता, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी वाइफ मेरा दिल खाना चाहती है, वरना मैं अपने दिल को अपने साथ लेकर चलता। बट वेयर इज योर हार्ट, आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। क्रोकोडाइल इनोसेंटली पूछता है कि तुम्हारा दिल कहाँ है। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, मुझे लगा कि तुम हर वक्त उसको लेके चलते हो। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री। तब मंकी बोलता है, नो इट्स ऑन द ट्री, वो तो पेड़ पर रखा हुआ है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट। अब वो क्या बोलता है मंकी, कि चलो हम दोबारा स्विमिंग करके चलते हैं और दिल लेकर आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी वाइफ इंतजार कर रही होगी। किसका इंतजार कर रही होगी? उस दिल का जो वो खाना चाहती है, उसका इंतजार कर रही होगी। तो हम चलो स्विमिंग करके चलते हैं जल्दी से और दिल लेकर आते हैं। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। गेनिंग कॉन्फिडेंस यानी कि उसको कॉन्फिडेंस में लेता है, उसका विश्वास अपनी ओर ले लेता है वो, कि आप क्रोकोडाइल उस पर विश्वास करेगा और वो मुझे वापस लेकर चलेगा। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिस द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बोलता है, उफ क्या गलती हो गई मुझसे। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री। अब क्रोकोडाइल क्या करता है, अबाउट टर्न लेता है, घूमता है किसकी तरफ, पेड़ की तरफ वो जाता है। और जब वो लोग पेड़ पर पहुंच जाते हैं, ऑन द रिवर बैंक द मंकी जंप ऑन टू द ट्री। जब वो किनारे पे आ जाते हैं, मंकी और क्रोकोडाइल नदी से किनारे आ जाते हैं, तो मंकी जंप करके पेड़ पर चढ़ जाता है। एंड हीव्ड अ डीप साइग ऑफ रिलीफ। अब उसको रिलीफ महसूस हुआ कि वो उस आफत से बच गया। ओके, जैसे कि हम भी किसी मुसीबत में होते हैं और जब हम उस मुसीबत से निकल जाते हैं तो हमें कितनी शांति मिलती है, उसी तरह उस मंकी को भी शांति मिली कि वो उस मुसीबत से बाहर आ गया और पेड़ पर चढ़ गया। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, "Let your wife have some food rather than my heart." अब वो क्या करता है बंदर? आसपास की जो डालियां होती हैं, ब्रांचेस हैं, उससे कुछ फ्रूट्स तोड़ता है और उसको नीचे फेंक देता है। अब बोलता है, ये तुम अपनी वाइफ को खिलाओ मेरे हार्ट की जगह, मेरा हार्ट नहीं, ये फ्रूट्स खिलाओ उसको। एंड फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी। फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं वो दिमाग और बॉडी शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तुम ये अपनी वाइफ को खिलाओ ना कि मेरा दिल। गुड बाय फ्रेंड इफ यू डोंट माइंड। अब वो गुड बाय बोलता है, कौन बोलता है? मंकी क्रोकोडाइल बोलता है गुड बाय इफ यू डोंट माइंड। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो, यू वॉन्ट मीट अगेन, तुम मुझसे दोबारा मत मिलना। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर। क्रोकोडाइल है वो था वो सैड हो जाता है। ओके, और शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन। वो बहुत सैड हो जाता है और वो टीयर्स गिराने लगता है, रोने लगता है, जो कि जेन्युइन होते हैं उसके आंसू, यानी कि सच्चे होते हैं उसके आंसू। वैसे क्रोकोडाइल के आंसू सच्चे होते नहीं है, पर इसमें क्रोकोडाइल सच नहीं होता है। एंड टर्न बैक टू गो होम और वो
स्कूटर लेता है और अपने घर चला जाता है। He was in a hurry to tell his wife a thing or two. और वो जल्दी जल्दी अपने घर जाता है कुछ अपनी वाइफ को बताने के लिए। अब वो क्या बताएगा अपनी वाइफ को कि तुम्हारे कारण ना मैंने सिर्फ एक सच्चा और अच्छा दोस्त खो दिया जो कि मुझे हर दिन मीठे मीठे फल फ्रूट खिलाता था और तुम्हारे लिए भी देता था, अब वो मुझे कुछ नहीं देगा मिलेगा अब वो मुझे कुछ नहीं मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ योर ग्रीड, तुम्हारे लालच के कारण ये हुआ हमारे साथ। ओके, एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज अ वाइज एनिमी इज बेटर देन द फूलिश फ्रेंड, एक बेवकूफ दोस्त से अच्छा एक समझदार दुश्मन है। ओके, सो स्टूडेंट टेल मी हाउ वाज द स्टोरी, तुम लोगों को स्टोरी कैसी लगी है? आई होप इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। यस, इट्स गुड ना, यू हैव टू रीड दिस स्टोरी एट होम एंड फाइंड आउट द डिफिकल्ट वर्ड्स। एंड स्टूडेंट प्लीज मेंटेन द फर्स्ट पेज ऑफ द लेसन, ये बैक विद द सन बुक में द मंकी एंड द क्रोकोडाइल चैप्टर नंबर 6 है। इसको आपको क्या करना है, इसके वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। नोटबुक हमने एक ही बनाई है सप्लीमेंट्री और हनीसकल के लिए, एक ही नोटबुक में हाफ हाफ डिवाइड कर लेना, एक तरफ हनीसकल लिखना और एक तरफ बैक टू द सन। ओके, और इसके जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं वो मैं कराऊंगी जब तक आप डिफिकल्ट वर्ड्स फाइंड आउट करके करना। और जिसकी भी नोटबुक मेरे पास है स्टूडेंट्स, प्लीज अपने किसी फैमिली मेम्बर को, भाई या कोई भी हो, उसको भेज देना और आप ले लेना ये नोटबुक। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टिल देन बाय बाय।